भाई फीस भी कम नहीं होती, फीस भी होती है 18,000 पाउंड। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होया, जड़े भी तारा एडमिशन हो रहा है भाई। तो मैं भी यहाँ गुरुद्वारे आया था लेस्टर में, मुझे कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे खड़े हुए दिख गए, तो मैंने कहा जरा देखता हूँ, इनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ इनको कैसा लग रहा है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी क्या है, चेक करते हैं इनसे। लेस्टर में आए हैं पढ़ने, तो ये भाई मिल गए मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सीजन चालू हो गया है। एक्चुअली स्टूडेंट्स का यहाँ पर बोलते हैं सीजन, कमेंसमेंट ऑफ दैट सेप्टेम्बर सीजन, अक्टूबर सीजन। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से। अब इनसे एक्चुअली मैं पूछते हैं कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या है। इतने सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं हाउ इज़ यूके, इज़ इट वर्थ इट, इज़ इट वर्थ मूविंग देयर। तो ठीक है, बेस्ट हम यही है कि अब हम बच्चों से ही पूछते हैं कि कैसा है, वो आपको बताएंगे। चलो, तो ये हमारे सारे भाई हैं पढ़ने आए हुए। भाई कहाँ कहाँ से हो, जरा बोल दो भाई सारे नेम। भाई हरियाणा से, हम सारे भाई हरियाणा जिंद हूँ मैं, अक्षय मेरा नाम है। मैं भी हरियाणा जिंद था, राहुल भाई मेरा नाम, नवीन कत्थल था। हाँ तेरी हरियाणा से, पंचकुला। और तू? मैं यूपी से, बिलासपुर से, मनजोत सिंह। अरे वाह मनजोत सिंह, तो सारे अपने यूपी और हरियाणा वाले हैं। भाई शोर बहुत हो रहा है, सवाल मेरा ये था, मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, सब पूछते हैं बच्चे इंस्टाग्राम पे एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी। हम यूके आते हैं, मैं भी आया था 8-9 साल पहले पढ़ने, और टाइम बहुत बदल गया है। अब मैं काम कर रहा हूँ, तुम लोग जब आए थे, ऑफ कोर्स वी ऑल हैव बिग ड्रीम्स, बड़े सपने हैं। हाँ, बड़े सपने जो बच्चे देख रहे हैं उनके भी होंगे। यहाँ आकर ये बताओ क्या लगा तुम्हें, पहले 15-20 दिन का एक्सपीरियंस क्या रहा है? बारिश हो रही है, चालू हो जाओ भाई। पहले 15-20 दिन का एक्सपीरियंस ये था, जैसे मैं 26 तारीख को आया था यहाँ पे, ठीक है भाई। पहली बात तो ये है, अगर कोई भी भाई आए ना अपने हरियाणा से या इंडिया में कहीं से भी आया, अपना अकोमोडेशन पहले से देख के आना, क्योंकि मैं ना तीन दिन गुरुद्वारे में रहा हूँ भाई, मैं सामने गुरुद्वारा 3 दिन रहा हूँ मैं, मतलब घर से कॉल आती थी तो भी उनको बताने के लायक नहीं था मैं कहाँ पे रह रहा हूँ। और दूसरा जॉब वगैरह का आप सोच के आ जाते भाई, ऐसा है वैसा है। आज के टाइम पे भाई साहब जॉब की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, अबे कोई काम नहीं है, घूम रहे हैं वेले, ऐसे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, मतलब कुछ नहीं है, भरोसे न रहो बिल्कुल भी। मतलब ये अगर कोई भी आप आओ ना, इंडिया से आओ, पाकिस्तान से, वहां से भी आओ ना, अपना अकोमोडेशन और जॉब का पहले देख के आना, एयरपोर्ट पे टैक्सी का अरेंजमेंट हमेशा। अब इनके मुंह से सुन लो, मैं बोलता हूँ आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, किसी की सुन के मत आओ। इन्होंने बोला एकोमोडेशन पता होनी चाहिए, तुम्हें कहाँ रहना है कम से कम, ये नहीं कि आ गए और ढूंढेंगे। सो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड कि कहाँ पर रहना है, होटल में रहना है, स्टूडेंट एकोमोडेशन में रहना है, घरों में रहना है। इसके लिए फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, तुम ढूंढ सकते हो इंडिया में, पाकिस्तान में, आने से पहले ही तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और ये एक्स्ट्रा कैश लेके आओ अपना। अच्छा खर्चा क्या है, अगर कोई बोले किराया क्या है? खर्चा तो नहीं, 1000-1200 पाउंड लेके आओ। ये भाई साहब अगर कोई भी आता है ना तो 1000-1200 पाउंड अपने साथ में लेके आना है। और दूसरी बात, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होया, जड़े भी तारे एडमिशन हो रहा है भाई, उन तो पहले पूछो कितनी फीस दे आनी है, जो डीमफोर्ड यूनिवर्सिटी अपनी 6 महीने की, 6 महीने के बच्चे फीस भरका रहे हैं, और आकर पूरे साल की मांगने लग रहे हैं, एकदम मांग रहे हैं एकदम। ये भाई उसी यूनिवर्सिटी का, मैं लेस्टर का हूँ, मैं 6 महीने की फीस मैं तो भाई पूरी भर के, मतलब बात ये है अगर आपको यहाँ पे आके अकोमोडेशन देखना है, रहने सहने का, 1000-1200 पाउंड अपनी जेब में लेके आना भाई। फीस की बात बता, सुन ले, तूने पूरी फीस भर दी? मैंने 6 महीने की भरी है भाई। तो अब तेरा क्या सीन है, तू 6 महीने की फिर भरेगा? हाँ 6 महीने की भरनी है, जनवरी में 6 महीने की भरनी है भाई। और भाई फीस भी कम नहीं होती, फीस भी होती है 18,000 पाउंड, 19,000 पाउंड। अरे ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि अपनी यूनिवर्सिटी की फीस है वो 14,000-11,000-12,000 पाउंड की ही लेके आने यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे आगे निकालनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और दूसरी बात कि हम एक मिनट रुक जा, कि हम आके पैसे कमाएंगे और फीस भरेंगे, वो नहीं हो सकता, बता दे। बिल्कुल भूल जाओ, या तो ये सेटिंग करके आओ अपनी घर से कि तुम्हारे पास पैसे हैं, या फिर तुम्हारे पास कुछ अपने फंड्स हैं पहले से ही, पर तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ हो गए पार्ट टाइम काम करोगे और फिर लोग मुझसे पूछते हैं भाई इंग्लैंड आ जाए, बस किसी तरीके से दाखिला हो जाए, एडमिशन हो जाए और वहाँ पर खर्चा कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। मैं बताऊँ सारे हरियाणवी भाई ने जो अपना चल रही है, जो उनको है भाई 1.5 लाख रुपए एजेंसी दे दे, फंड दिखा दें, या गलती कभी ना करियो भाई, पूरा के चुतड़ा वाला तुम्हारे का वापस भेज देंगे, 1 मिनट के अंदर डिपोर्ट है भाई। यहाँ पे काम धंधा अपना देख के आओ, ऐसे नहीं यहाँ पे शोक नहीं है भाई, कमाई भी बहुत है, शोक भी पूरे होंगे, अच्छे दिन भी आएंगे सारे काम है, लेकिन अपने पहले से टाइम लगेगा थोड़ा, 6-7 महीने का, अपनी तैयारी वहां से करके आओ, प्लानिंग होनी चाहिए। हाँ प्लानिंग इंडिया से करके चलो भाई, प्लानिंग पूरी होनी चाहिए। ये सारे बच्चे अभी आए हैं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तो ये तुम्हें रियलिटी बता सकते हैं। 26 सितंबर को ही आया हम रात को, मैं 26 सितंबर को उतरा था भाई यहाँ पे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरा, मैं 30 को उतरा था, और मेरे पास टैक्सी मैंने गलती से लेट बुक कर दी थी, मतलब इमीडिएटली हुई नहीं थी, मैं कम से कम 8 घंटे वेट करी एयरपोर्ट पे, तब जाके मैंने टैक्सी अर्जेंट में बुक करी है वहाँ से, तब आया मैं।
टैक्सी का किराया लगा था 120 पाउंड। अरे बच्चे सबसे बड़ी 120 पाउंड का खर्चा लगा था। सबसे बड़े सबसे ज्यादा बच्चे गलती ये करते हैं, सबसे बड़ी ये आते टैक्सी बुक कर लेते हैं। भाई आप लिंक में वो जो आप बस बुक करो, बस कुछ भी ऑनलाइन ऑनलाइन बस करो, जो अगर जो भी बच्चा इंडिया से आता है नीचे भाई वो दे देंगे नीचे आपको लिंक, नेशनल एक्सप्रेस का लिंक डाल दूंगा मैं आपका, हीथरो एयरपोर्ट से भी, बर्मिंघम से भी, मैनचेस्टर से भी, और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, ये सारे बच्चे डीएमयू में हैं। मैं लेस्टर में हूं, डीएमयू से हूं, तो बाकी सारे लेस्टर में हैं। भाई डीएमयू वाले बच्चे सुन लो, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इस टाइम पे भाई, तू खुद बता दे तेरी फीस का। अभी तक इसकी एक क्लास भी नहीं लगी भाई, इस भाई की एक क्लास भी नहीं लगी अभी तक। मेरी एब्सेंट चल रही है और मेरे को टाइम टेबल बहुत लेट मिला है, उसके चक्कर में मेरा जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है वो दिया नहीं अब तक इन्होंने, ठीक है। और मेरे को जॉब के लिए इतनी दिक्कत हो रही है ना लीगली भाई, ये रियलिटी है आप लोगों मतलब के सामने। हाँ। कहने की बात ये भाई, मतलब अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज से पहले से पूछ के आओ भाई, हमें क्या कुछ करना करके आओ। अगर वो ना सिंपल बात, अगर वो 3,000 pounds मांगते हैं आपसे, आप 4 दे के आओ। हाँ। बस ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो लड़कों की एक मिनट में बात यहाँ पर रोक रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो कभी हमारा खत्म नहीं होगा, पर लड़कों की बात सारी ये है कि अगर प्लानिंग नहीं है, हवा में उड़ के आ रहे हो तो यू विल फॉल लाइक पीस ऑफ कार्ड्स, गिरोगे। पर अगर प्लानिंग करोगे तो बेटर है, कितने पैसे लेकर जाने हैं, कौन से शहर में जा रहे हो, कहाँ पर रहना है, क्या खर्चा है पहले 2 महीने का, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज करो, नीचे कमेंट करो फेसबुक पे, इनसे मैं दोबारा भी बात करूंगा और स्टूडेंट से भी बात करूंगा। और कुछ बोलना है तुम लोगों को? भाई इम्पोर्टेंट बात, ये मत सोचना कि भी आके आती काम मिल जाएगा और पैसे पूरे कर लेंगे और अरेंजमेंट अपना निकाल लेंगे। भाई मेरे को 25 दिन हो गए हैं, एक भी काम नहीं मिला और मेरे पे खर्चे बढ़ते चले गए, 400 pounds का मेरा खर्चा आ गया है रूम का जो रेंट है। भाई यही है, प्लानिंग नहीं होगी। हाँ बोल यूपी वाला। एक बात और, काम कोई ना कोई सीख कराओ, कई मतलब कहीं पे भी जाते हैं काम देखने, वो सीधा पूछते हैं क्या करें, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए। एक्सपीरियंस चाहिए। अरे सीवी जरूर, सीवी अच्छा बनाओ, सीवी इंडिया से मंगवा के लाओ। और एक बात और भाई, मतलब ये मत सोचना भाई चिल लाइफ के, मतलब वो ना तैयारी करके आओगे ना, हाँ। टाइम लगेगा थोड़ा, 4-5 months एंजॉय करोगे भाई और इंडिया वालों को भी, लेकिन मजा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैं सोच रहा हम डिमोटिवेट कर रहे हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं, रियलिटी ये थी, ये रियलिटी भी आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारे वाली गलती आप ना करें। बाकी चिल एयर लाइफ के बहुत ज्यादा भाई, सिंपल बात ये है, खुद के भी पूरे करोगे 6-7 months और इंडिया वाले के तो बल्ले बल्ले भाई। देखो ये जो बात इसने बोली है ना, एक मिनट रुक जा, ये बात अभी इन्होंने बोली है कि सपने पूरे होते हैं, हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे। तो एक बात मैं बोल देता हूँ, मैं भी स्टूडेंट्स की तरह आया था, अगर आपके सपने हैं और प्लानिंग है, ठीक है, चीज़ें बदलती रहती हैं, अगर आपके दिमाग में ये सोच है कि आपको करना है तो सब होगा। ये लड़के यहाँ पर आए हैं, परेशान है और मजे भी ले रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। परेशानी तो बस यही है, पार्ट है, थी ना, पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ है यार। अभी तो बस पता है कुछ, अभी ना फिलहाल जॉब की चल रही है, भगवान के जैसे सारा काम सेट है। मतलब ये बात है भाई, जैसे हम कहने को आनी बात, जिस तरह हम 3 दिन गुरुद्वारे में रहे थे नी अपने भाई, वहां थे इंडिया थे, अपने सोच समझ गाइयो, जो कुछ भी आना है पूरा कोई साथ नहीं देता, अपने सोच यानी इंडियन मिल गए भाई, कुछ दे भी घूमनी बल्कि अंग्रेज काम आ जाएगा, सारा रोड पर चलता, कोई इंडिया वाला काम नहीं आओगा। चल कोई नहीं, ये तो देख हर जगह ही होता है, पर सुनो काचे काटने जम्मा काट रहे भाई, इतनी कट रही है, देखो अपने मिल रही है, लेकिन भी काचे कट रहे हैं। देखो बता, तू भी इंडिया वाला बोल रहा था मैं नहीं मिला तुझे बाहर, आप तो मिल गए भाई, लेकिन वो नहीं भाई, मैं जैसे हर तरीके के लोग, देखो हर तरीके के लोग होते हैं, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, यहाँ पर तो एक नहीं, मैं उस सोच को बता रहा हूँ। जैसे एक वो सरदार जी मिले थे मुझे, काम कर रहे थे, वो बता रहे थे भाई अपने को ना देख के खुश नहीं होता है, क्योंकि वो देखेगा यार साला ये हो रहा गया, हमारी मार्केटिंग पे असर पड़ेगा। मैं ये वाली बिजनेस वाली बात बताना चाह रहा था आपको बस, और ऊपर वाला देख रहा है, हमें कोई नहीं रोक सकता, आग लगा देंगे। दिक्कत नहीं, बारिश हो रही है इसलिए मैं फोन अब बंद कर रहा हूँ भाइयों, ठीक है, ठीक है भाई। चलो भाई गाइस, आई एम गोना टेक अ लीव नाउ बिकॉज इट्स रेनिंग, सी यू गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल आडी बॉय ड्रीमर, कुछ भी हो मुझे मैसेज करो, कमेंट करो फेसबुक पे, और भी मैं स्टूडेंट से बात करूंगा, तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन यू हैव पुट डाउन, और मैं कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की। हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइज, हैव अ गुड डे, मिलते हैं जल्दी।